हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्लास्टिक वाले बैडमिंटन में उसमें छोटे छोटे छेद क्यों रहते हैं, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो रस्सी से मेरी हुई बैडमिंटन रहती है उसमें निश्चित गैप के साथ रस्सी को क्यों मेरी जाती है, आज इन सब के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए, अगर आप प्लास्टिक वाले बैडमिंटन देखे होंगे तो उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे छेद रहते हैं। ये छेद इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि कोर को सही डायरेक्शन मिल सके। मतलब अगर बैडमिंटन से कोर को किसी भी एंगल से मारा जाए तो वो निश्चित दिशा में जाए। मतलब अगर ऊपर से मारा जाए या किसी भी एंगल या मारा जाए या झुक के मारा जाए, तो किसी भी एंगल से अगर मारा जाएगा तो वो निश्चित डायरेक्शन में जाए, इसलिए इसमें छेद बनाए जाते हैं। तो छेद का काम समझिए कैसे करता है। पहले मान लीजिए कोर किसी में आता है, तो जब कोर किसी में आता है माने किसी भी छेद में मान लीजिए यहाँ फंस गया। अगर यह फंस गया तो किसी भी अगर फंस जाता है तो अगर इसे सीधे मारेंगे तो वो निश्चित दिशा में जाता है। चाहे अगर इस तरह मार रहे हैं, अगर कोर को उस कोई भी छेद में फंस गया तो अगर इससे करेंगे तो वो निश्चित दिशा में जाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक वाले बैडमिंटन में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। यही छेद, इस छेद का काम इस बैडमिंटन में ये रस्सी करता है। जो रस्सी को मेरा जाता है वो निश्चित आकार में मेरा जाता है, मतलब निश्चित गैप के साथ मेरा जाता है, ताकि अगर कोर को हिट किया जाए तो किसी भी बने छेद में फंस जाए, मतलब किसी भी होल में फंस जाए। और जब फंस जाता है तो ये किसी भी एंगल से मारा जाता है तो वो निश्चित दिशा में जाता है। अगर ये छेद नहीं रहेगा या यहाँ पर रस्सी से नहीं मेरा जाएगा तो हो सकता है अगर इस तरह मारा जाए तो हो सकता है इधर निकल जाए, अगर ऊपर मारा जाए तो ऊपर ही चल जाए, मतलब निश्चित डायरेक्शन में नहीं जाए। इसलिए प्लास्टिक वाले बैडमिंटन में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, और रस्सी वाले बैडमिंटन में ये निश्चित गैप में रस्सी को मेरी जाती है ताकि कोर को सही डायरेक्शन मिल सके। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले।